पिछले लास्ट पोल में कमेंट सेशन में एक प्यारे सब्सक्राइबर में कमेंट किया कि भाई इस बार साईफाई मूवी पे बना दो यार, अगली बार कोरियन पे बना देना। भाई मना नहीं कर पाया, आप सभी कोरियन फैंस के लिए सॉरी भाई, नेक्स्ट वीडियो कोरियन ड्रामा पे होगी। तो आज की वीडियो साईफाई फैंस के लिए 10 जबरदस्त साईफाई एडवेंचर मूवीज जिनके कॉन्सेप्ट एक से बढ़कर एक होंगी, जिनकी दुनिया फ्यूचरिस्टिक होंगी, जिसमें बोनस मूवीज भी होंगी जो हमेशा की तरह टॉप क्लास की। तो भाई एक भी मिस ना करिएगा और प्रीवियस पार्ट को भी जरूर देखिएगा, उसमें भी सिर्फ क्वालिटी ही मिलेगी। नंबर 7 की अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जहां आपकी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, पूरे ब्रह्मांड में एक ग्रुप का राज चलता है, तो इस मूवी को एक ट्राई जरूर दीजिए। 2005 की साईफाई एक्शन एडवेंचर के साथ श्रीनिटी। स्टोरी भाई, अर्थ की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, लोग अलग अलग ग्रह पर रह रहे हैं, जहां पूरे ब्रह्मांड में अलायंस ग्रुप का राज चलता है, जहां से एक भाई अपनी बहन को छुड़ा ले आता है। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं भाई, तब भाई है जिसे अलायंस के लोग ढूंढ रहे हैं। आखिर वो लड़की ऐसा क्या जानती है और अलायंस के लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं? मूवी में छिपे हैं कई सारे ट्विस्ट। एक्शन सीन ठीक ठाक लगी, मूवी 2005 की है तो उस नजर से देखोगे तो मूवी आपके लिए बेस्ट होगा। बस भाई मूवी कुछ सवालों का जवाब नहीं देती, वो लड़की ऐसा क्यों और उसके पास इतने खतरनाक पावर आई कहां से? थोड़ी कैरेक्टर से कनेक्ट कराते तो वन ऑफ द बेस्ट मूवी होता, लेकिन फिर भी आप एक ट्राई दीजिए, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की मूवी एक ऐसी प्लेनेट जहां से निकलते हैं रात में क्रिएचर्स, वहां से वापस आने की जर्नी, साईफाई एक्शन एडवेंचर के साथ रेडिक। स्टोरी, मरने की हालत में हमारे हीरो को एक ऐसी प्लेनेट पे छोड़ आते हैं जहां कई सारे क्रिएचर और एलियंस हैं। कैसे भाई हमारे हीरो उस ग्रह पे खुद को सरवाइव करते हैं और कैसे उस ग्रह से निकलते हैं? मूवी में भाई एक्शन किंग विन डीजल हो तो इनकी एक्शन सीन पे शक नहीं करते, हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग, वो फीमेल एक्ट्रेस की वो स्वैग वाली एटीट्यूड काफी पसंद आएंगी। इस फिल्म सीरीज में अब तक टोटल 3 मूवी रिलीज हो चुकी है और 4th पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। मूवी को पूरी तरह से समझने के लिए इसके प्रीवियस पार्ट को जरूर देखिएगा, सारे पार्ट हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी टाइम ट्रेवल जैसी कॉम्प्लिकेटेड मूवी देखना हम सभी को काफी पसंद है, जिसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भाई हमारे दिमाग को हाईएस्ट लेवल पे ले जाकर समझना होता है। 2012 की साईफाई एक्शन के साथ लूपर, भाई पास्ट में जाकर अपने आप को ही मारना है, गजब का भाई आगे की स्टोरी नहीं बताएंगे, ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आप मूवी में देखो और यकीन मानो इसके क्लाइमेक्स एक्सप्लेनेशन के लिए आप यूट्यूब पे आएंगे। मूवी हिंदी डबिंग के साथ फ्री में एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 5 की मूवी भाई, अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग जैसी डार्क कॉन्सेप्ट टाइप चीजें पसंद आई होंगी तो ये मूवी आपके लिए उस लेवल का तो नहीं पर उसके जैसा जरूर। हम बात करें 2011 की साईफाई मिस्ट्री थ्रिलर के साथ सुपर 8। भाई स्टोरी फोकस जनरली कुछ बच्चों पे है जो एक फिल्म शूटिंग के दौरान एक ट्रेन हादसे के बाद उन्हें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि मिस्टीरियस है। उसके बाद उनके गांव में मिस्टीरियस तरीके से चीजें होने लगती हैं, वो क्या है भाई आप मूवी में देखो। बात करें मूवी की सबसे बेस्ट पार्ट की तो भाई इसकी प्रेजेंटेशन, जिस तरह से इसके सस्पेंस हमारे सामने रखा है कमाल की है, धीरे धीरे कर रिवील करती है। बात करें मूवी की नेगेटिव पॉइंट को तो भाई इसके स्लो पेस्ट की लेंथ और इसके क्लाइमेक्स स्टार्टिंग से इस तरह से माहौल और सस्पेंस क्रिएट करती है कि मूवी क्लाइमेक्स में उस लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी आप इसके कॉन्सेप्ट के लिए एक ट्राई जरूर दीजिए, मूवी प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 4 की मूवी, अगर आपने टॉम हार्डी की वेनम मूवी देखी होगी तो इस मूवी की कॉन्सेप्ट मिलता जुलता देखने को मिलेंगी, जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया 2023 की साईफाई एक्शन के साथ ब्लू बीटल। वेनम मूवी में वेनम जिस भी बॉडी को चुनता है उसे पावरफुल और सबसे ताकतवर बना देता है, वैसे ही इस मूवी में स्क्रैब एक ह्यूमन बॉडी को चुनता है, उसकी कई सारी अनलिमिटेड पावर उसमें आ जाती है, जैसे आप जो भी सोचेंगे वो हथियार बनाकर दे देगी, एडवांस टेक्नोलॉजी, फाइटिंग स्किल और कई सारी। मूवी डीसी की तरफ से है तो भाई एडवांस चीजें देखने को मिलेंगी, सीजीआई ग्राफिक्स एकदम से हाई लेवल का तो नहीं पर लो लेवल का भी नहीं, एक्शन सीन आपको पसंद जरूर आएंगी, जिसे एक बार देखनी चाहिए, मूवी प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी, जब भी सुपर ह्यूमन मेटा ह्यूमन की बात आती है तो ये फिल्म सीरीज सबसे पहले आती है। हम बात करें मोस्ट पॉपुलर फिल्म सीरीज 2001 से 2020 तक टोटल 11 मूवी का कलेक्शन साईफाई एक्शन के साथ एक्समैन फिल्म सीरीज। फिल्म सीरीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं, इनकी वो वुल्वरिन की कैरेक्टर हम ऑडियंस के दिलों में है। मूवी को अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 3 की मूवी भाई, इसके कॉन्सेप्ट गजब का यार, मरने से पहले कोमा की दुनिया कैसी होती है और इंसान उस दुनिया में क्या सोचता है, ये रशियन मूवी अपने टॉप लेवल की बीएफएक्स के साथ हमें दिखलाती है। 2019 की साईफाई मिस्ट्री एडवेंचर के साथ कोमा। मूवी
मूवी में भाई हमें कोमा की दुनिया को दिखलाई है। आखिर वो कोमा में किस तरह से सोचते हैं और क्या करते हैं, कोमा की दुनिया क्या होती है, ये मूवी आपको अपने तरीके से दिखाने की कोशिश करती है। कोमा में भाई आपको कोई मारना चाहता है, ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए भाई देखनी पड़ेगी आपको मूवी। और यकीन मानिए कुछ सरप्राइज और कुछ खतरनाक सा फील जरूर कराएगी, क्योंकि भाई मूवी की कॉन्सेप्ट टॉप लेवल की, हाई बजट की, VFX और CGI में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, एकदम टॉप लेवल की। कुछ एक्शन सीन भाई डॉक्टर स्ट्रेंज और इंसेप्शन की याद दिलाएगी, जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी जब एक वीडियो गेम की कैरेक्टर अपनी डिसीजन खुद लेने लगे, 2021 की साइफाई एक्शन एडवेंचर के साथ फ्री गाय। एक ऐसी फ्री सिटी वीडियो गेम जिनकी कैरेक्टर रियल दुनिया उनकी गेमिंग की दुनिया को फील कर सकते हैं, जहां उस गेमिंग की दुनिया में हमारा हीरो एक AI कैरेक्टर है जिन्हें उस गेमिंग की दुनिया में एक लड़की से प्यार हो जाता है। स्टोरी इतनी सिंपल बिल्कुल नहीं है भाई, ये मूवी अपने फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ कुछ यूनिक रिप्रेजेंट करती है जो भाई स्टार्टिंग से एंड तक आपको फुल्ली इंटरटेन करेगी। और क्यों ना करे भाई, जिस मूवी में रियान रेनॉल्ड हो, ऊपर से कॉमेडी का सही टाइमिंग हो, तो पूछो मत मूवी आपकी आंखों से कब निकल जाएगी आपको ही ना पता चलेगा। डेफिनेटली इस साइफाई मूवी को आप देखना स्टार्ट करो, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की मूवी भाई गजब का, क्या हो जब एलियन को हमारे पृथ्वी पे रहने के लिए जगह दिया जाए, तो क्या वो एलियन हमारे लिए खतरा होंगे या फिर हम उनके लिए। ये मूवी कमाल की स्टोरी लाइन और टॉप लेवल की सिनेमेटोग्राफी के साथ हमें एक्सपीरियंस कराती है। 2009 की साइफाई एक्शन थ्रिलर के साथ डिस्ट्रिक्ट 9, एक एलियन की सीप हमारे पृथ्वी पे फंस जाती है जो हमसे कमजोर है। वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें रहने के लिए एक अलग ही कॉलोनी देती है। एक एजेंट को उनकी कॉलोनी में भेजा जाता है ये पता लगाने के लिए कि क्या वो धरती पे रहने लायक है। उसके बाद जो उन्हें देखने को मिलता है ना भाई, वो आप एक्सपीरियंस करो मूवी में, और यकीन मानो इस लेवल की ना देखी होगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सब्र जरूर रखिएगा। हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 1 की मूवी साइफाई जॉनरा में मिशन टारगेट वो स्पाई स्किल देखने को मिल जाए, तो भाई मूवी पूरी तरह से थ्रिल एक्सपीरियंस कराती है। ये मूवी अपने सस्पेंस से आपका दिमाग घुमा कर रखेगी। 2011 की साइफाई एक्शन मिस्ट्री के साथ सोर्स कोड। इसके कॉन्सेप्ट खतरनाक टाइप है भाई, आप ही सोचो आप एकदम से किसी और के बॉडी में उठो और आपको अपना मिशन करना हो, और आप गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम के हिस्सा हो जिन्हें टारगेट दिया गया है, ट्रेन में छिपा है बम, 8 मिनट में उसे ढूंढ। आखिर ये किसी और के बॉडी वाला मिस्ट्री क्या है, वो भाई आप मूवी में देखो। स्टार्टिंग के कुछ मिनट ये मूवी आपके ऊपर ऊपर से जाएगी, पर यकीन मानो भाई एंड तक जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में वो मूवी जो टेंशन बिल्ड करती है ना, वो ट्रेन वाली एक्शन सीन एकदम टॉप लेवल की। मूवी के एक्शन सीन के साथ इसके मिस्ट्री आपको लास्ट तक बांधे रखेगी। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, जरूर देखिए। तो बस भाई ऐसी क्वालिटी के लिए आपके तरफ से एक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कराइए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी।